हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे एंड आगे भी बढ़िया रहना। भाई लोग, आप सभी को पता होगा हमारे गेम में बहुत सारी सेटिंग है, तो भाई आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले वाइब्रेशन सेटिंग के बारे में। गाइस, यहां पे आप लोग जैसे ही आओगे तो भाई यहां पे आप लोग को चार तरह का सेटिंग देखने को मिल जाएगा। और भाई अगर आप लोग ये सारे सेटिंग को ऑन करते हो तो भाई यहाँ पे और भी बहुत सारा सेटिंग आ जाता है। तो गाइस, आज के वीडियो में एक एक करके सभी सेटिंग के बारे में आपको बताऊंगा, किसका क्या काम है, कौन सा सेटिंग ऑन रखना चाहिए, कौन सा ऑफ रखना चाहिए। तो भाई लोग, वीडियो ज्यादा बड़ा नहीं होगा, वीडियो को आप लोग पूरा देखना, तभी आप लोग को समझ आएगा। और भाई लोग, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे न्यू आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और गाइस, हमारा YouTube फैमिली 1 मिलियन कंप्लीट होने वाला है आप लोगों की वजह से। आप लोगों ने बहुत ज्यादा सपोर्ट दिखाया, और भाई जो लोग न्यू आए हो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना, ठीक है? चलो भाई लोग, बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। ओके गाइस, सबसे पहले आपको क्या करना है, सिंपल से सेटिंग में आना है। यहाँ पे आप लोग जैसे आओगे नीचे में आपको वाइब्रेशन सेटिंग मिल जाएगा, और यहाँ पे मैंने आपको बताया पहले तो चार सेटिंग देखने को मिलेगा। और गाइस, अगर आप लोग ये सारी सेटिंग को ऑन करते हो तो यहाँ पे और भी बहुत सारा ऑप्शन आ जाता है, ठीक है? तो गाइस, सबसे पहले यहाँ पे मैं सभी सेटिंग को ऑफ कर देता हूँ। और गाइस, सबसे पहले आपको पता होगा वाइब्रेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है? यानी गाइस, आपका जो मोबाइल है उसमें जो नोटिफिकेशन आता है या किसी का कॉलिंग आता है, तो भाई सबसे पहली बात तो वहां पे रिंग होता है। दूसरा ऑप्शन होता है गाइस साइलेंट मोड का, ठीक है? अगर आप लोग साइलेंट करते हो, किसी का भी कॉल आता है तो भाई आपका जो मोबाइल है म्यूट रहता है। अगर आप लोग रिंगिंग में रखते हो तो भाई रिंग बजता है, ठीक है? और भाई एक और भी मोड होता है जिसका नाम है वाइब्रेट। अगर आप लोग वाइब्रेट ऑन करते हो, किसी का भी कॉल आता है, तो आपका जो मोबाइल है वाइब्रेट करने लगता है, कांपने लगता है, ठीक है? तो गाइस, वही सेटिंग के बारे में यहां पे आज हम बात करने वाले जो कि हमारे गेम में वाइब्रेशन सेटिंग है। तो भाई यहां पे सबसे पहला जो सेटिंग है साउंड विजुलेशन वाइब्रेशन, तो भाई अगर आप लोग इसको जैसे ही ऑन करते हो तो भाई यहां पे दो सेटिंग ऐड होता है, ठीक है? सबसे पहले आता है यहां पे हमारा फुट स्टेप, उसके बाद भाई आता है गन शॉट, ठीक है? तो गाइस, फुट स्टेप क्या है, आप लोग गेम खेलते हो, मान लो गाइस आप लोग सीएस खेल रहे हो या रैंक खेल रहे हो, अगर आपके आसपास कोई भी बंदा आता है तो भाई उसका फुट स्टेप आवाज सुनाई देता है। अगर आप लोग हेडफोन से खेलते हो तो भाई आप लोगों को जो आवाज है क्लियर सुनाई देता है, ठीक है? और ऐसे भाई बहुत कम आता है फुट स्टेप। अगर आप लोग साउंड को पूरा बढ़ा के रखोगे तब आप लोग फुट स्टेप सुन पाओगे। और गाइस, अगर आप लोग इसको ऑन कर देते हो, ठीक है, फुट स्टेप वाले को ऑन कर देते हो, तो गाइस क्या होगा, आपके आसपास कोई भी बंदा आएगा तो भाई आपका जो मोबाइल है वाइब्रेट करने लगेगा, ठीक है? इससे आपको पता चल जाएगा आपके आसपास कोई भी बंदा है, आप अलर्ट हो जाओगे। यानी गाइस, मान लो आप लोग छत पे हो, नीचे भी कोई बंदा आता है दौड़ता है, तो भाई आपका जो मोबाइल है वाइब्रेट करने लगेगा, ठीक है? तो भाई ये बहुत ही अच्छा सेटिंग है, इसको आप लोग ऑन रख सकते हो, ठीक है? फुट स्टेप को आप लोग ऑन रख सकते हो। उसके अलावा गाइस, यहाँ पे देखो गन शॉट आपको देखने को मिल जाएगा। तो भाई गन शॉट क्या है, अगर आपके आसपास कोई भी एनिमी जो है फायर करता है तो भाई आप लोग का जो मोबाइल है वाइब्रेट करने लगेगा, ठीक है? तो भाई ये भी सेटिंग बहुत ही मस्त है। आपके सामने कोई भी बंदा अगल बगल घर से बाहर या घर के ऊपर फाइट करेगा, गन से फायर करेगा, तो भाई आपका मोबाइल जो है वाइब्रेट करने लगेगा, ठीक है? तो भाई ये सेटिंग भी मस्त है, इसको भी आप लोग ऑन रख सकते हो। उसके बाद गाइस यहाँ पे आता है प्लेयर इंटरेक्शन वाइब्रेशन, ठीक है? तो गाइस इसको आप लोग जैसे ऑन करोगे तो गाइस यहाँ पे एक सेटिंग ओपन हो जाएगा, इसका नाम है टेकिंग डैमेज, ठीक है? तो भाई टेकिंग डैमेज क्या है, अगर आपको कोई भी बंदा डैमेज देता है, ठीक है, कहीं पे भी कोई भी बंदा आपको डैमेज देता है, तो भाई आपका जो फोन है वाइब्रेट करने लगेगा, ठीक है? तो भाई ये सेटिंग भी बहुत ही ज्यादा मस्त है। आप लोग गेम खेल रहे हो, दौड़ रहे हो, तो भाई कोई भी बंदा आप पे फायर करेगा, आपका हेल्थ जाएगा, तो भाई आपका जो मोबाइल है तुरंत से वाइब्रेट करने लगेगा, तो भाई आप लोग तुरंत से ग्लोवल वगैरह भी लगा पाओगे। तो भाई ये भी आप लोग को समझ आ गया टेकिंग डैमेज क्या है, तो भाई इसको भी आप लोग ऑन रख सकते हो, ठीक है? उसके अलावा गाइस यहाँ पे आता है वेपन वाइब्रेशन, ठीक है? यहाँ पे देखो वेपन वाइब्रेशन, इसको जैसे आप लोग ऑन करोगे तो भाई यहाँ पे देखो भाई चार सेटिंग फिर से ओपन हो जाएगा। सबसे पहले तो गाइस यहाँ पे आएगा ऑटोमेटिक गन, ठीक है? तो भाई ऑटोमेटिक गन क्या होता है, तो गाइज हमारे गेम में ऑटोमेटिक गन में आता है यूएमपी हो गया है, MP5 हो गया है, उसके अलावा गाइस स्कार हो गया है, ऑग गन हो गया है, यानी गाइज ऐसे गन जिससे आप लोग अनलिमिटेड फायर कर सकते हो, ठीक है? यानी भाई डायरेक्ट आप लोग फायर करते हो तो आपका जो फायर है होता रहता है, ठीक है? उसके बाद आपको रिलोड करना पड़ता है, फिर आप लोग डायरेक्ट जो है फायर कर सकते हो। यानी गाइज आप लोग को ऑटोमेटिक गन के बारे में समझ आ गया होगा, कंटिन्यू जो फायर होगा वो हमारा ऑटोमेटिक गन है, ठीक है? एंड उसके बाद गाइज यहाँ पे
आता है सेमी ऑटोमेटिक गन। ये सेटिंग को अगर आप लोग ऑन रखते हो, जैसे गाइज मैंने ऑटोमेटिक का बताया, जहां पे इस कार यूज करोगे या तो फिर भाई यूएमपी वगैरह थॉमसन वगैरह यूज करोगे तो भाई आपका फोन वाइब्रेट करेगा। उसके अलावा गाइज ये जो सेमी ऑटोमेटिक गन है, इसमें हमारा आता है ACAT, वुड पेकर, M10, ये सारा गन आता है, ठीक है। यानी गाइज जैसे मान लो आप लोग वुड पेकर से अनलिमिटेड एक साथ फायर नहीं कर पाओगे, रुक रुक के फायर होगा। तो गाइज ये हमारा हो गया सेमी ऑटोमेटिक गन, जिसको आप लोग ऑन रखोगे तो आप जब गन यूज करोगे तभी वाइब्रेट करेगा। उसके बाद भाई यहाँ पे आता है बोल्ट एक्शन गन, ठीक है। तो भाई बोल्ट एक्शन गन में क्या आता है, हमारा जो दो कट्टा वाला गन है, यानी गाइज M1887 हो गया, M82 भी हो गया, उसके अलावा गाइस AWM वगैरह हो गया, ठीक है। तो भाई ये सारा गन अगर आप लोग यूज करोगे तो भाई आपका जो फोन है वाइब्रेट करेगा, ठीक है। तो भाई ये सारी सेटिंग को आप लोग ऑन भी रख सकते हो या तो भाई आप लोग ऑफ भी रख सकते हो, ठीक है। जो आपके लिए कंफर्टेबल हो वो आप लोग करना। आप लोग क्या करना, एक बार जो भी सेटिंग में बता रहा हूं एक बार सभी सेटिंग को ऑन करना, उसके बाद भाई आप लोग गेम खेलना और जो सेटिंग आपको अच्छा लगे उसको आप लोग यूज करना, ठीक है। एंड उसके बाद गाइस आता है हमारा अदर गन। तो भाई अदर गन में जैसे में भाई आप लोग मान सकते हो G18 हो गया, USP हो गया, डिजर्ट ईगल वगैरह हो गया, और भी बहुत सारा गन है, उस पे आपका फोन जो है वाइब्रेट करेगा, ठीक है। उसके बाद गाइस सबसे नीचे आता है व्हीकल वाइब्रेशन। इसको आप लोग जैसे ऑन करोगे तो गाइस नीचे में और भी सेटिंग आ जाएगा। यहां पे देखो तीन ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो भाई सबसे पहले आता है ड्राइविंग का, ठीक है। ड्राइविंग क्या है गाइस, आप लोग गेम में कोई भी गाड़ी चलाओगे तो आपका फोन जो है वाइब्रेट करने लगेगा, ठीक है। और यहां पे आप लोग देखो इन व्हीकल डैमेज, ठीक है। यहां पे देखो ड्राइविंग के बाद आता है इन व्हीकल डैमेज। तो भाई ये क्या है, आप लोग गेम में गाड़ी चला रहे हो, कोई भी बंदा आपको डैमेज दे रहा है तो भाई आपका जो फोन है वाइब्रेट करने लगेगा, ठीक है। तो भाई ये सेटिंग भी मुझे बहुत पसंद आया। मान लो आप लोग गेम में गाड़ी चला रहे हो, कोई भी आपके ऊपर फायर कर रहे तो भाई आपको पता चल जाएगा आप पे एम लगाया जा रहा है, ठीक है, आपको मारने की कोशिश किया जा रहा है। तो भाई इन व्हीकल डैमेज का सेटिंग भी आप लोग ऑन रखना और भाई ड्राइविंग वाला सेटिंग को आप लोग ऑफ ही रखना तो बढ़िया रहेगा। यानी गाइस गाड़ी चलाओगे आपका फोन वाइब्रेट करेगा, इससे कभी कभी क्या होगा गाइस आपको लगेगा कोई कॉल वगैरह कर रहे तो भाई डिस्टर्ब भी हो सकते हो, ठीक है। एंड उसके बाद गाइस सबसे नीचे आते हैं कॉलिशन सेटिंग। इसमें क्या होगा गाइस, अगर आप लोग व्हीकल चला रहे हो, गाड़ी चला रहे हो, कहीं पे उसको दीवार में ठोकते हो या कोई अलग गाड़ी में ठोकते हो या पेड़ में ठोकते हो, कहीं भी गाड़ी को ठोकोगे तो भाई आपका जो फोन है वाइब्रेशन करने लगेगा, ठीक है। तो गाइस एक एक करके सभी सेटिंग के बारे में आपको बताया हूं, वाइब्रेशन में जितने भी सेटिंग है। तो गाइस यहां पे सबसे बढ़िया सेटिंग जो मुझे लगा है, सबसे पहले तो भाई यहां पे गन शॉट हो गया, उसके अलावा गाइस फुट स्टेप हो गया, मतलब भाई ये सारा जो सेटिंग है बहुत ज्यादा यूजलेस है, ठीक है। उसके अलावा गाइस यहां पे जो गन वाला वाइब्रेशन वगैरह है इसको आप लोग ऑफ ही रखना तो बढ़िया रहेगा। और गाइस ड्राइविंग वाला जो है इन व्हीकल डैमेज, ये सारी सेटिंग को आप लोग ऑन रखना। यानी गाइस मैंने आपको बताया सभी सेटिंग को पहले ऑन कर लेना, फिर गाइस आप लोग गेम खेलना, जो सेटिंग आपको अच्छा लगे उसको आप लोग ऑन कर लेना, ठीक है। तो भाई उम्मीद है आप लोगों को वाइब्रेशन सेटिंग के बारे में समझ आ गया होगा। अगर वीडियो थोड़ा भी पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और गाइस अगर आपको और भी कोई भी सेटिंग के ऊपर वीडियो चाहिए आप लोग कमेंट करके बताना, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारा सेटिंग है, जैसे मैं गाइस यहाँ पे देखो बेसिक हो गया, सेंसिविटी हो गया है, कंट्रोल सेटिंग पे मैंने बहुत सारा वीडियो बनाया है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा जरूर देखना, चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है। उसके अलावा ऑटो पिक पे डिस्प्ले है, साउंड है, वाइब्रेशन तो मैंने अभी बता दिया है। कोई भी सेटिंग पे वीडियो चाहिए आप लोग कमेंट कर देना, ठीक है, सभी लोग कमेंट करना और ये वीडियो कैसा लगा ये भी आप लोग कमेंट करके बता देना। तो भाई लोग आज के वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।